मोदी जी के गुस्साए और लाल आंखों ने कमाल कर दिखाया है। अब भारतीयों को चाइना जाने की जरूरत नहीं है, चाइना खुद भारत में धीरे धीरे घुस रहा है। नमस्कार सलाम, मैं आकिब रजान न्यूज प्लस से। हमारे देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री लगातार ये कहते आए हैं कि हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है, हम नजर बनाए हुए हैं, ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मगर चाइना ने हमारे ही घर में घुस गया और हमारी ही जमीन पर कब्जा जमा लिया है और पूरा का पूरा गांव और कई जगहों पर चाइना की सेना द्वारा हमारे भारतीय जमीन पर कब्जा की जा रही है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी जो हैं ड्रोन से नजर बनाए हुए हैं और मोदी मीडिया के मुंह पर अंधभक्ति का ताला पड़ा हुआ है। चाइना पीपल्स ऑफ लिबरेशन यानी PLA ने अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास कब्जा कर काम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के औजा जिले के लोगों ने बताया कि PLA चाइना के सैनिक भारतीय सीमा के नजदीकी स्थित एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 इलाकों पर कब्जा जमा लिया है और उसके लिए बड़ी से बड़ी मशीनें लाकर बाकायदा काम किया जा रहा है। वहां रह रहे स्थानीय लोगों ने इस कब्जा की वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में कुछ लोग मशीन के जरिए पहाड़ तोड़ते नजर आ रहे हैं। वहां रह रहे लोगों ने सरकार की भी धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बात को नकारते आए हैं। इससे पहले इंडियन आर्मी ने भी खबर दी थी अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। वहीं भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के ऑफिसर RP कलिता ने भी चीनी सेना द्वारा लेक के पास गांव बसाने की बात कही थी। वहीं पेंटागन की रिपोर्ट में गांव बसाने के भी दावा किया गया था। 2021 में आई अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने दावा किया था कि चीन अरुणाचल प्रदेश में लेक पर गांव बसा लिया है और 1959 में असम में भी चीन ने कब्जा जमा लिया था। मगर हमारी सरकार का कहना है कि ये नया भारत है, हमारे जमीन पर कब्जा करेंगे तो हम उनके मोबाइल एप्लीकेशन बैन करेंगे। वाह मोदी जी वाह, आपका ये बदला लेने का अंदाज नए भारत को शायद भारी ना पड़ जाए। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, कमेंट करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।